इस ट्राइपॉड में आपको मिलता है एक बबल इंडिकेटर भी। सो ये देखिए बहुत एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेरे नए ट्राइपॉड को, जो कि मुझे हाल ही में रिसीव हुआ है। तो फिर चलो इस ट्राइपॉड को अनबॉक्स करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और रेड वाला सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने तो ये पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं इसे दोबारा से अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये रहा वो बॉक्स जिसमें है ट्राइपॉड, और इस बॉक्स पर बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स पर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। पहले तो इस पर है 3-way पेन हेड दिया हुआ है, और फिर 4-section लेग, यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक लीवर लोड एंड रबर लेग टिप। और ये ट्राइपॉड 3110 है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। और इसका जो वेट है वो है 420 ग्राम। जो सारे स्पेसिफिकेशन से मैंने आपको दिखा दिया बॉक्स में, आप निकालते हैं ट्राइपॉड को और दिखा दीजिए। ये कवर है, और इस कवर के अंदर आता है एक ट्राइपॉड, और इसके साथ एक मोबाइल होल्डर स्टैंड भी आता है, क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है इसके साथ। ये रहा है ट्राइपॉड। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्राइपॉड। ये जो ट्राइपॉड है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ये ट्राइपॉड पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। और अगर कोई क्रिएटर मोबाइल से वीडियो बनाना चाहता है तो ये एक ट्राइपॉड उसके लिए बेस्ट है। इसका जो वेट है वो 420 ग्राम्स, आपने देख लिया होगा बॉक्स पे। और ये पूरा का पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो अब मैं इसको लॉक को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और मैं आपको यहाँ के सारे स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ का ये जो पेन है ये निकलता नहीं है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं, जो कि इसके साथ फ्री आया है। और इस मोबाइल होल्डर में आ सकते हैं और इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और आपको ये वाला नॉब खोलना होगा इसके लिए। और अपना मोबाइल होल्डर लगाने के लिए आपको इसे यहाँ पर रखना होगा, ऊपर के जो नॉब है उसे रिलीज करना होगा, फिर से टाइट करना होगा, जिससे कि इसमें लग जाएगा और आप अपने मोबाइल से शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। आप बहुत इजीली इसे रोटेट भी कर सकते हैं, आप इससे किसी भी डायरेक्शन में वीडियोस बना सकते हैं। और इस ट्राइपॉड में आपको मिलता है एक बबल इंडिकेटर भी। सो ये देखिए बहुत एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। और दूसरे ट्राइपॉड में जो पेन होता है ये निकल जाता है, लेकिन इस ट्राइपॉड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इसके नोब से मोबाइल होल्डर में मोबाइल लगा सकते हैं। तो इसके यहाँ के स्पेसिफिकेशंस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा हो सकता है। इसका ये वाला नोब रिलीज कर देंगे, इसकी नेक से एक्सटेंड हो सकता है। और ये अपनी लेग से भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर आप इसके ये वाले लॉक्स ओपन कर देंगे तो ये और एक्सटेंड हो जाएगा। और एक्सटेंड होने के बाद आप इन्हें फिर से लगा दीजिए। और वही सेम प्रोसेस आपको तीनों के साथ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल कितना बड़ा हो चुका है। और आप अपने मोबाइल को यहाँ पर रख सकते हैं, उससे किसी भी वीडियो उसको शूट कर सकते हैं बहुत आसानी से।
और एक बात ध्यान रहे कि इसके ऊपर आप किसी कैमरा को माउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना हैवी वेट कैरी नहीं कर सकते। ये सिर्फ बना है मोबाइल के लिए, आप अपने मोबाइल होल्डर में मोबाइल लगा कर इसे शॉर्ट वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको फिर से इसके कॉम्पैक्ट साइज में लेता हूँ। तो ये जो ट्राइपॉड है ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है और ये बहुत पोर्टेबल भी है, आप इसको कहीं भी ट्रैवलिंग में कैरी कर सकते हो। और ये मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे 300-400 का मिल गया था। सो आप भी इसे फ्लिपकार्ट से बुक कर सकते हो। ये था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।